वेलकम स्टूडेंट टू क्लास नंबर 15। इस क्लास नंबर 15 के अंदर हम मजीद HTML5 के न्यू टैग्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, हम क्लास नंबर 14 को क्लास नंबर 15 में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहां से हम ऐसा करेंगे कि अब हम देखेंगे डिटेल्स। तो देखें स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर सबसे पहले एक पैराग्राफ बना लेता हूं और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ हम लिख लेते हैं, सेव करते हैं। और मैं एक और पैराग्राफ बना देता हूं, उसके अंदर फिर से कुछ ना कुछ लिख देते हैं और हम ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखें ये दो पैराग्राफ हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको इधर डिटेल और समरी ले लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखा देता हूं तो और मजीद समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लेंगे डिटेल्स और डिटेल्स के बाद हम यहाँ पे लेंगे समरी का टैग और इधर हम कह देंगे फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हैदराबाद कैंपस। ठीक है, ये हैदराबाद कैंपस के मुताबिक अगर आपने पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक कर दें। तो इसको मैं अंदर ले जाता हूँ, ठीक हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर भी डिटेल्स और समरी, और इसके अंदर लिख देंगे हम कराची कैंपस, ठीक हो गया। और इस वाले पैराग्राफ को हम डिटेल के अंदर और समरी के बाद रख देंगे, ठीक हो गया। और चलें ब्राउजर पर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये इस तरीके से जस्ट समरी नजर आ रही है हमें। और यहाँ पे आप देखें ये एक रेक्टेंगल से बने हुए आ गए, ट्राइंगल से सॉरी। और इसके ऊपर आप क्लिक करें तो देखें ये आपकी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे भी इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। आप दोबारा क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा, इसको क्लिक करें क्लोज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे आपने डिटेल समरी बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि जो सबसे पहला वाला ऑप्शन हो वो बाय डिफॉल्ट ओपन रहे, तो आप क्या करें, सिंपल जिस चीज को भी आप ओपन रखना चाहते हैं उसके डिटेल्स में जाएं, उसका एक एट्रीब्यूट दे दें ओपन, ठीक है, ओपन ओपन सेव करें और रिफ्रेश करें। तो ये देखें बाय डिफॉल्ट जो जहां जिसको हमने ओपन रखा है वो ओपन आ रहा है, अदरवाइज आप दूसरों को भी ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं और इसे भी क्लोज करेंगे, लेकिन जब भी आप रिफ्रेश करेंगे तो ये हमेशा आपको ओपन ही मिलेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये था HTML5 का न्यू टैग जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है और आपने सीखा किस तरीके से आप इस तरीके से जबरदस्त से डिटेल्स पेज बना सकते हैं यूजिंग इन HTML। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।